हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और ये ब्लॉग है बुधवार का, यानी कि रक्षाबंधन के एक दिन पहले का है। तो अभी मैं सृष्टि को लेके आई हूँ, तो बस इन लोगों के लिए खाना निकाल रही हूँ और मैं अपने लिए भी निकाल रही हूँ। और ये मैं जब सृष्टि को ले आती हूँ ना, तभी खाना खाती हूँ, क्योंकि अगर खाना खा लो ना तो नींद सी आती है। तो मैं जब इसको ले आती हूँ, उसी के बाद फिर इन लोगों के साथ मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी। खाना खा रही हूँ। दाल चावल, भिंडी की सब्जी। आ जाओ, आप भी खा लो। चलिए तो फिर हम खाना खा लेते हैं। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और हम लोगों ने खाना खा लिया। सृष्टि स्कूल से आती है, तभी हम लोग खाते हैं खाना साथ में, मैं, सृष्टि और पीहू। तो आज था राखी की, आज वो स्कूल में इनकी राखी बनाने का वो था, कंपटीशन था। तो सृष्टि ने ये लुम्बा बोलते सृष्टि, तो ये लुम्बा बनाया है सृष्टि ने, और इनको सेकंड आई है ये ना। प्राइज तो कुछ नहीं मिला, बाद में मिलेगा, लेकिन सेकंड आई है। और मैंने थोड़ा और बड़ा बनवाया था, मैंने कहा सृष्टि और बड़ा बनाना, लेकिन इन्होंने इन्हें छोटा पसंद था। बता रही हैं इनकी एक फ्रेंड है, उसने काफ़ी बड़ा बनाया तो उसका फर्स्ट आ गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वैसे छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और काफ़ी अच्छा बनाया, सुंदर लग रहा था। ये देखिए, और ये अभी शाम का टाइम है, ये आ गए थे तो ना मुझे ना मेरी ना वो जो बेड की ना बेड सीट नहीं थी, तो मतलब बेड सीट तो है लेकिन जो पहले पुराना मतलब बेड था उसके हिसाब से मतलब साइज की बेड सीट थी, तो वो काफ़ी छोटी हो रही थी। तो मैंने इनसे कहा बेड सीट लेनी है, दिलवा दो, एक दो तीन दिलवा दो। तो मतलब ये छोटी होती हैं तो बेड से मतलब खिसक खिसक के सारी मतलब वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो बोले चलो। तो मैं यहाँ पर फिर ना बेड सीट लेने आ गई। मैंने कहा इनके पास टाइम है, अगर बोल रहे हैं तो आ गए हैं तो चल पड़ो, नहीं तो फिर ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली थोड़ा लेट नाइट ही आते हैं, मतलब लेट ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं बस यही सब देख रही हूँ। ये वाली बेडशीट मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन इसका ना कपड़ा थोड़ा वैसा था, खिसकना वाला था, मतलब खिसकेगा, मतलब वो ये कह रहे थे कि मतलब गद्दे से चिपक के नहीं रहेगा, मतलब खिसकेगा थोड़ा। मैंने कहा फिर तो बच्चों के साथ बेकार है ये, मैं कॉटन की ही फिर मैंने फिर ली बेड शीट। काफ़ी अच्छी मतलब सामान था इनकी, तो यहाँ पे मैंने बेड शीट वगैरह ले ली है। तो ये बस उसकी उसी का बिल अपना कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने सामान सारा ले लिया जो भी मुझे लेना था, और रात काफ़ी हो रही है, 8:30 ऐसे 9 बजने वाला है, और मुझे घर चल के अभी खाना भी बनाना है। तो चलिए चलते हैं। और ये ना बुधवार का ब्लॉग है, और मैंने मिक्स करके बना लिया बुध और बृहस्पति का। तो बुधवार का ब्लॉग है और सुबह रक्षाबंधन है, तो चलिए चलती हूँ मैं। और रक्षाबंधन की मैंने कर ली हैं तैयारियाँ। वस्त्र तो मैं कृष्ण जी के पहले ही ले आई थी, सृष्टि पीयू के भाई के वस्त्र तो मैंने ले लिए थे पहले ही। और घर में आ गई थी, तो घर आने मतलब आते ही मैंने पहले खाना वगैरह बनाया, और उसके बाद खाना पीना हमारा हो गया है, तो बस ये कपड़े वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा लाओ तह करके डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह है रक्षाबंधन। और जैसे पहले मैं छोटी थी ना, तो जैसे अगले दिन जैसे रक्षाबंधन हुआ करता था, तो मैं ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट शुरू से ही, हर त्यौहार का मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहा बचपन से ही। तो मैं रात में ही इतनी तैयारियाँ मतलब जो मतलब वैसे काम पड़े हुए होते थे ना, तो मैं रात में ही निपटा दिया करती थी, कि सुबह मुझे ज़्यादा टाइम मिले, मैं जल्दी से सारा काम करके मतलब तैयारी करने का मुझे शुरू से ही शौक रहा, चाहे कोई भी त्यौहार हो। तो बस मैंने कहा चलो ये सुबह नहीं, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं साफ़ सफाई या फिर खाना पीना नहाना धोना मतलब नहाना वगैरह और पूजा पाठ में लग जाऊंगी, तो ये कपड़े फिर पड़े रहेंगे, फिर इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी टाइम है, और रात मतलब लाइट भी नहीं आ रही इस वजह से, और तो मैंने कहा चलो टाइम भी है और लाइट भी नहीं आ रही है, तो चलो मैंने कहा ये सारे तय लगा लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि लाइट आ जाए, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा।
और यहाँ पे ये मैंने गद्दी पे कवर चढ़ा रही है, मैंने गद्दी के कवर भी धो लिए थे उस दिन जब मैंने साफ सफाई की थी, तो ये भी काफ़ी गंदे हो गए थे। तो ये ना कवर गद्दी मैंने एक तो मैंने झूले के लिए बनाई थी जो काफ़ी मोटी सी बनाई थी, लेकिन वो झूला अभी पड़ ही नहीं पाया है। और यहाँ पे ये अभी खाना खा रहे हैं क्योंकि ये लेट आए थे, तो ये अपना खाना खा रहे हैं। तो ये गद्दी मैंने ना पुराने कपड़ों से बनाई है, ऐसे घर में काट काट के जैसे कि पुराने कपड़े जैसे बेड शीट वगैरह होती हैं, ये कुछ कपड़े ऐसे होते हैं तो जिन्हें मतलब कैंची से मैंने काट काट के, और ये जो थैले मतलब आते हैं ना जो सुपरमार्केट वगैरह में कॉटन के, तो वो ना ऐसे पिलो टाइप में गद्दी टाइप में ऐसे होते हैं, तो बस सामने से वो खुले होते हैं, तो उसमें मैंने ये सारा भर के और अच्छी सी मोटी, तो जो मोटी सी गद्दी बनाई थी वो मैंने झूले के लिए, तो वो झूला पड़ ही नहीं पाया, तो फिर मैंने इसको चेयर वगैरह पे ही डाल दी। मैंने कहा चलो जब तक चेयर पे ही डाल देते हैं, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े कबर्ड में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये वाली मैं ड्रेस लेके आई हूँ, ड्रेस तो मैं कई लेके आई हूँ उनके लिए, और पूरा सिंगार का सामान भी लेके आई थी, बांसुरी है हाथ के हैं उनके, और ये जो जिस पे बैठे हुए हैं ना चौकी, ये चौकी लेके आई थी मैं। और यहाँ पे ये देखिए मैंने थाली भी लगा ली है जिसमें दिया है और राखी, और उनको उनका टीका करने के लिए सिंदूर और हल्दी चावल भी, और यहाँ पे मिठाई भी मैंने मंगा ली है। तो सृष्टि सबसे पहले उनका कान्हा जी कृष्ण का पहले टीका करेंगी, तो यहाँ वो टीका मैं करवा रही हूँ बच्चों से। तो हल्दी चावल सिंदूर आपको जो लगाना हो वो लगा दो। तो ये देखिए, तो चलिए बच्चों से मैं टीका और राखी मिठाई ये सब कान्हा जी को करवाती हूँ। मैंने सृष्टि से कहा कि राखी बांध लो, कृष्ण जी को राखी बांध लो, कृष्ण को राखी बांध सकते हैं, गणेश जी को बांध सकते हैं, आपको जिसको बांधना हो आप बांध लो, इनसे तो बढ़ के कोई नहीं है ना। तो बस सृष्टि पीयू को मैंने, सृष्टि पीयू बोली मम्मा तो मुझे तो कृष्णा को राखी बांधनी है, कान्हा को, तो मैंने चलो कान्हा को बांध लो।
रायता में तड़का लगा लेती हूँ। मैंने रायता नहीं बनाया था, मैंने कहा चलो पहले लोगों को राखी बनवा देती हूँ खाना को, फिर मैं रायता में तड़का लगा लूंगी। बाकी तो सारा कुछ बन गया है, सब्जी वगैरह मैंने देखो सुबह ये लेके आए थे, सारी सब्जियाँ भी मैंने धो के रखी हैं, बस मैं ये रायते में तड़का लगा देती हूँ। यहाँ पे ये आ गए हैं क्योंकि इनकी ऐसे इनकी कोई बॉस वगैरह कोई आए हुए थे प्रोडक्ट मैनेजर, तो ये चले गए थे तो 2-3 घंटे के लिए, तो ये आ गए हैं। अभी टाइम 2 हो रहा तो मैंने इनसे कहा चलो आप खाना खा लो, तो बस मैं इनके लिए खाना निकाल देती हूँ। आ जाइए आप लोग भी, खाना मैंने लगा लिया है और आज की वीडियो का एंड मैं यहीं करूँगी। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करिए। और यहाँ पे मैं अपने छोटे भाई से बात करने लगी, मैंने कहा चलो उसको मैं वीडियो कॉल कर लेती हूँ, और रक्षाबंधन की उसको ढेर सारी शुभकामनाएँ मैंने दी। तो चलिए फिर एक मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।